दिस इज वीडियो नंबर 30 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर से उसी टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया था, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिसको हम देखते हैं अपने अराउंड जो है अप्लाइंसेस हमारे चल रहे हैं वो कैसे चलते हैं, उनका कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, सारी अच्छे से देखेंगे आप। हीटिंग एलिमेंट, जैसे आपका हीटर होता है उसकी क्वाइल होती है उसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। गीजर के अंदर भी हीटर हीटिंग एलिमेंट होता है, प्रेस के अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होता है। इज मार्क्ड एट, वो जो भी हीटिंग एलिमेंट है उसका ये लिखा हुआ है उसके ऊपर कि वो 630 वॉट का है और 210 वोल्ट पे वो चलता है, ठीक है। इतनी उसकी वोल्टेज हो तो इतनी पावर वो डिलीवर करता है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। इतनी वोल्टेज हो तो इतनी पावर डिलीवर करता है। व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू, जब उसको हम इतनी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, डीसी है, ठीक है, और इतनी वोल्टेज है, छोड़ दो डीसी की अभी नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, 230 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था, मैंने ये फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू, ऐसे कैलकुलेट करना किसी भी, ये इस तरह के क्वेश्चन बल्ब पे भी आ सकता है, हीटर पे भी आ सकता है, हीटिंग एलिमेंट कुछ भी लिखा हो, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। वी स्क्वेयर कितना हो गया, 210 का स्क्वेयर अपॉन पी कितना है, 630, ये इसका आंसर है। खत्म, इतनी सी बात की स्टार्टिंग चीज़ें हैं, आपको सब समझ आनी चाहिए, मैंने शायद पहले भी बताया आपको ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ निगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके साथ एक कनेक्ट किया हुआ है हमने 50 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसा है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है, ठीक है। एलॉय मैग्निन का बना हुआ है रेजिस्टर है, छोड़ दो आपको नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत उसकी, 50 ओम्स। हाउ मच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इन 1 आवर, किया था हमने क्वेश्चन, एक घंटे में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो आपने निकालनी है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, वो सोर्स क्या होगा उस एनर्जी का जो हीट प्रोड्यूस हुई, उसका सोर्स कौन है, बैटरी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, लेकिन वो निकाल देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट बात हो रही है ना, कांस्टेंट करंट वगैरह में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट करंट वगैरह में कोई टेंशन लेने की, 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी, बैटरी है ना, जब बैटरी हो तो कांस्टेंट करंट भी और कांस्टेंट वोल्टेज भी होती है बैटरी में, याद रखना है, करंट वेरिएबल नहीं है यहाँ, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, सिंपल, अगर तुम एक काम और कर सकते हो, तुम करंट निकालना चाहते हो, करंट निकाल लो, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था लेकिन करंट निकाल लो, वी बाई आर, 0.2 एम्पियर करंट हो गई इसकी, ठीक है, 0.2 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा ये जो आपके रेजिस्टर है, ठीक है, 0.2 ऐसे करना है का स्क्वेयर इंटू 50 इंटू 1 आवर, आंसर आएगा जूल्स में, खत्म, दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है, हो गया ये भी। एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने सब कवर करने की कोशिश की है कि आप सब भी अपने पास इसका लिख के रखो, इसमें कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स एट 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस, इफ़ द मोटर क्या है, इतना है, देखो मोटर, पहली बात मोटर क्या होती है, मोटर की डेफिनेशन पता क्या है, मोटर है जो इनपुट लेती है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट देती है क्या, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करके क्या बना देती है, मैकेनिकल, इसलिए मेरे लिए घूमती है, ठीक है, जो इनपुट इलेक्ट्रिकल ले और आउटपुट मैकेनिकल दे, मैकेनिकल इनपुट हम देते हैं और वो घूमती है, जैसे फैन है आपका, इनपुट क्या लेता है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट क्या देता है मैकेनिकल, घूमता है, ठीक है, तो उस तरह का है, तो कह रहा है कि इतनी करंट ड्रॉ करता है ये, करंट ऑब्वियसली इनपुट साइड पे होगी, एफिशिएंसी निकालनी है और मैकेनिकल आउटपुट इतना देता है, ये देखो मोटर इतना मैकेनिकल आउटपुट दे रही है, एफिशिएंसी निकालो, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, एफिशिएंसी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, आप एफिशिएंसी पूरा भी लिखोगे चलेगा, ईटा बोलते हैं इसको, इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर तो आपको डायरेक्टली दी हुई है 150 वॉट, इनपुट पावर मैं बता देता हूँ वी आई, 50 इंटू करंट दी हुई है ना, 50 इंटू करंट कर दो डायरेक्ट 12, 50 इंटू 12 कितना हुआ, 50 इंटू 12 हो गया 600, तो 150 अपॉन 600 कितना हो गया,
150 अपॉन 600 मींस 25% आंसर आ गया। परसेंट में निकालते हैं एफिशिएंसी, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 25% इसका आंसर। वेरी सिंपल। देखो एक और, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन अ 50 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, एफिशिएंसी, ये वही क्वेश्चन है लेकिन इसकी एफिशिएंसी दी हुई है, आपको रेजिस्टेंस बतानी है वाइंडिंग की कितनी है, मोटर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जहां पे लॉसेस होते हैं। एफिशिएंसी क्यों होती है, देखो एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें 600 तुमने इनपुट लिया, उसने आउटपुट कितना दे पाई तुम्हें, 150। कहां गई बाकी 450 वाट? 450 वाट कहां गया? 450 वाट कहां गया? 450 वाट कहाँ गया? वो लॉस हो गया। क्या बोलते हैं उसको? लॉस हो गया। और वो लॉस कहाँ होता है? वो लॉस को बोलते हैं I square R loss। और वो कहाँ होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग में, यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लॉस निकालते हैं ज़रा। ठीक है, आओ दिखाने इसमें क्या बोला, इसने एफिशिएंसी बोली है, मैं बताता हूँ आपको। इनपुट कितना हो गया इसका, ध्यान से करेंगे, इनपुट कितना हो गया इसका, इसका हो गया 600, फिर से 600 वाट। ठीक है, आउटपुट बताऊँ आपको, देखो आउटपुट, आउटपुट कितना हो गया, एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगा के, आउटपुट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये आ गया आपका आउटपुट। आउटपुट कम होगा, 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, 180 वाट। कितने वाट आपके खराब हो गए, लॉस हो गया। लॉस यहाँ कहाँ हुआ? लॉस पहली बात, ये लॉस हुआ कहाँ? ये लॉस हुआ रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग में। ठीक है, तो इसलिए वो कितना, कौन सा लॉस हुआ? आई स्क्वायर आर लॉस इक्वल टू कितना हुआ? 420 वाट माइनस किया इनपुट और आउटपुट में, तो लॉस निकल गया और वो यहाँ हुआ और ये इधर से आपको रेजिस्टेंस निकल जाएगा, करंट दी हुई है 12 एम्पियर। अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके थ्रू, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात ये समझना, पावर बनती है पावर प्लांट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे सलाल हो गया रियासी में, बगलियार हो गया रामबन में, यहाँ यहाँ पावर बनती है। जब ये पावर बनती है ना, फिर इसको पहुँचाना कहाँ है? जम्मू जैसी, उधमपुर जैसी जगह जहाँ पे लोड होता है, जिसको बोलते हैं लोड। तो जम्मू, फॉर एग्जांपल जम्मू ले लो आप, जम्मू लोड है। लेकिन ये यहाँ से पावर यहाँ तक कैसे पहुँचती है? ऑब्वियसली केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, केबल बोलो, वायर बोलो, ट्रांसमिशन लाइन्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन करनी है पावर की। ठीक है, कर ली। जब यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये वायर बहुत लंबी है, कितना डिस्टेंस है? अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो रो एल बाई ए के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ कुछ लॉसेस हो जाते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस। किस में? इसमें, इन वायर्स में, मतलब इन, सुनो, इन वायर्स में से जब करंट फ्लो करेगी तो इधर पावर बनेगी। कितनी पावर बनेगी? आई स्क्वायर आर। वो पावर तुम यूज़ नहीं कर पा रहे इसलिए उसको लॉस बोलते हैं, दैट्स इट। जो पावर तुम यूज़ नहीं कर पाते उसको लॉस बोलते हैं। आप फैन थोड़ी देर चलाओ, फैन थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। अब वो जो गर्म हो रहा है उस गर्मी को तुम यूज थोड़ा कर रहे हो कहीं, समझ आई बात? तो इसलिए उसको बोलेंगे वो लॉस है उसका। अभी जैसे मोटर का तुमने निकाला कि मोटर के अंदर 420 लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है वो, क्योंकि वो किसकी फॉर्म में निकलेगा वहां? वो फैन है मान लो, तो फैन वो गर्म हो जाएगा। फैन वो गर्म हो जाएगा तो उस गर्मी को क्या तुम यूज करते हो किसी हीटिंग पर्पज के लिए? यूज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए तुम बोलोगे वो वाली जो पावर बनी वहां बनी, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, ठीक है वो बनी लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया, अब यूज़ नहीं कर पाया तो वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। अब आई स्क्वायर आर लॉसेज को कम करने के लिए तरीका क्या है? देखो तरीका क्या हो सकता है, आर को कम किया ही नहीं जा सकता। डिस्टेंस क्या जम्मू और रियासी के बीच में कैसे कम करूँ? हाँ, जितना कोशिश होगी उतना मैं लाइन्स को सीधी लाने की कोशिश करूँगा, वो भी कोशिश हो सकती है। ठीक है, एल कम हो नहीं सकता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं हो सकता क्योंकि जितनी करंट इन्होंने कैरी करनी है उतनी करनी करनी है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो सकता। इसलिए रो एल बाई ए चेंज हो नहीं सकता, इसलिए रेजिस्टेंस चेंज हो नहीं सकता। फिर लॉसेस को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? करंट को कम करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करंट को कम कैसे करेंगे। करंट को कम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यहां एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर का शॉर्टकट है ये लिखने का तरीका, ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, जैसे तुम घर में भी करते हो। ठीक है, स्टेप अप करता है और उस वोल्टेज को, ये जो पहले इसने वोल्टेज थी कुछ इसकी, मतलब जो इसने पावर बनाई थी यहाँ, इसने जो पावर बनाई यहाँ पे वो क्या थी? वी इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, अभी मैंने बताया आपको पावर इज इक्वल टू क्या होती है, वी इंटू आई। अब जो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई है, इस
पावर को बनाया, अब हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर नहीं बनाते ना कुछ करते हैं, पावर में कोई चेंजेस नहीं लाते, पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, बट हम चेंज क्या करते हैं, हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, वोल्टेज को रेज कर देते हैं। अब वोल्टेज को तुम रेज कर रहे हो, पावर तुम चेंज नहीं कर रहे, तो करंट डाउन कर जाएगी, समझ आई बात? वही क्वेश्चन में इसमें समझाया गया है, मैं आपको बताता हूं। ये ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज, इसने ट्रांसफार्मर का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम हमारे घरों में जो सप्लाई, दो तरह की इलेक्ट्रिकल पावर होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होती है थोड़ी डीसी, इसलिए स्टार्ट हमेशा किया जाता है डीसी के साथ, जिसको तुम बैटरी बोलते हो। ये जो बैटरी मुझे पावर देती है, सेल जो मुझे पावर देते हैं, वो हमेशा डीसी होती है, लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई हमारे को गवर्नमेंट दे रही है, वो एसी है। क्या है उसका पूरा चैप्टर है, वो हमने चैप्टर में पढ़ना है। अब वो क्यों एसी तुम यूज कर रहे हो, उसका कारण है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इतनी बड़ी क्या चीज हो गई कि हम डीसी को बिल्कुल छोड़ दिया और हमने एसी को क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, और जब वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो करंट हो जाएगी डाउन, और उसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा और हम लॉसेस को काफी कम कर पाएंगे। स्क्वायर टाइम्स करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, अब इस क्वेश्चन को देखोगे आप, ठीक है, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कर नहीं सकता, इट ओनली वर्क्स ऑन एसी, ये भी हमने पढ़ना है, ट्रांसफार्मर ये सब पढ़ना है, लेकिन ये एसी पढ़ने के बाद पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ नहीं, इसने ये बात नहीं की है, लेकिन मैंने तब भी आपको बता दिया, इसने कहा दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एक कह रहा है कि मैं इतने पे वोल्टेज, इतनी वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करूंगा, एक कहता है मैं 200 वोल्ट पे करूंगा, बताओ पावर वेस्टेज किसमें कम होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि ये पावर प्लांट ने इतना बनाया था, 100 मेगावाट, 100 मेगावाट का मतलब हुआ इतना, इतना बनाया, ये क्या है, वी इंटू आई, ठीक है, जिसमें वी इंटू आई है ये, ठीक है। इस केस में वी क्या है, यानी आई किसके बराबर हुआ, आई किसके बराबर हुआ, मैं बताता हूं, मेगावाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, जितनी वोल्टेज ज्यादा उतनी करंट कम, जितनी करंट कम उतने आई स्क्वायर आर लॉसेस कम। अब देखो इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में कितना फर्क है, मैं बताऊं, 100 टाइम्स का, मतलब अगर एक बंदा यहां पावर ट्रांसमिट कर रहा है और एक बंदा यहां ट्रांसमिट कर रहा है, इस केस में करंट 100 टाइम्स ज्यादा होगी, इस केस में करंट 100 टाइम्स कम होगी। अब 100 टाइम्स अगर करंट कम हुई तो लॉसेस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस के कारण यहां पे लॉसेस और यहां के लॉसेस का डिफरेंस होगा 10,000 टाइम्स का, 100 का स्क्वायर, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, करंट स्क्वायर है ना, अगर यहां पे करंट क्या हो जाएगी, यहां पे करंट 100 टाइम्स कम है तो लॉसेस कितने कम हो जाएंगे, 100 टाइम्स नहीं, 100 का स्क्वायर टाइम्स, 100 का स्क्वायर टाइम्स, अगर मान लो यहां पे लॉसेस हुए, मैं बताता हूं आपको इतने, इसको 10 किलोवाट बोलते हैं, ठीक है, इस केस में तो यहां लॉसेस कितने होंगे, 1 वॉट, ओनली 1 वॉट, मतलब लॉसेस हुए ही नहीं, लगभग खत्म ही हो गए सारे लॉसेस, 10 किलोवाट के लॉसेस को 1 वॉट में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 टाइम्स कम हो जाएंगे। इसीलिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, इसीलिए एसी यूज की जाती है। डिटेल अगले चैप्टर्स में। थैंक यू वेरी मच।